अभीष्ट पुरन महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी ब्रह्म भक्ति प्रदेवी राधिकेतांग नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशी करुणामृतवाहिनी कृपया निज पदाब्ज तायसं मह्यं प्रदीयतम् वंदे नंदा ब्रजेस्त्रीनां पादरनुमभीक्ष्णस जसां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् जया श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविश्वप्रथा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजश्री मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय नित्यलीला पुरुषोत्तम उष्मादश्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शुभाविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। व्यास पूजा तिथि पालनकारी भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी की व्यास पूजा तिथि महामहोत्सव जो मूल मठ चैतन्य मठ है या जितने गौड़ीय मठ है सभी लोग आज तिथि की सम्मान आदर पूजा कर रहे हैं। यूँ तो प्रतिदिन ही गुरु पूजा होती है। गुरु परंपरा की पूजा भक्तों के लिए ये कर्तव्य नहीं है, ये स्वाभाविक है कि प्रतिदिन ही वो लोग गुरु परंपरा की स्मरण कीर्तन वंदना और उनका अनुसरण सब समय करेंगे और करना चाहिए। तो आज विश्वभर में सर्वत्र जो ये रूपानुग धारा है जो प्रवाहित है स्रोत, इसके मूल भक्ति गंगा भगीरथ भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भूत हुए बीरनगर उला ग्राम नदिया जिला में। किंतु जगन्नाथ जी कृपापूर्वक उनको अपने सेवा में वहाँ बुला लिया, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा किसी साधारण व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ जगत के नाथ है, किंतु उनके प्रिय सेवकों से वो बंधे हुए हैं। किंतु भक्तिम ठाकुर उनके विशेष प्रीति के कारण जगन्नाथपुरी में उनकी सेवा का पूरा अधिकार
और जिम्मेदारी उनके ऊपर था। उन्होंने देखा किस तरह से सबके अंदर सौहार्द और सेवा सुष्ट रूप से चले। कलयुग है, शासन से तिरस्कार से कुछ होना नहीं है। और वो भगवान के परिकर होने के नाते भगवान के अंदर कितना धैर्य है, समस्त जीवों को सृष्टि भगवान ने की, किंतु विमुख जीव, विरोधी, अतत्वज्ञ, मूर्ख, अल्पबुद्धि, अल्पायु, किंतु अभिमान के पहाड़ पर चढ़े बैठे हैं। तो भक्तिमान ठाकुर जी देखा ये आसन तो है नहीं इन लोगों को नीचे उतारने की, क्योंकि थोड़ा पद को किसी को मिल गया तो प्रभुत्व पाई मत गाहे नहीं। बस गुरु जी कहते थे जब तक किसी को पद नहीं मिला तब तक देखो उसका स्वरूप का परिचय तुम्हें मिलेगा नहीं, जब कोई पद मिल जाता है तब देखो उनका स्वरूप का परिचय तब मिलेगा, नहीं तो पहले तो कितना नम्र विनय, कितना शांति प्रिय, कितना नहीं तो आश्रम में भी आकर के और वहाँ भी बस वही जिस चेटी को सोने का मंदिर में छोड़ दो तो कहीं छिद्र है वो अन्वेषण करता है। तो भोगी जीव आश्रम में भी आएगा वहाँ भी भोगों के अड्डा खाना जमाएगा, कैसे ज़्यादा भोग कर सके, अपने इंद्रिय तर्पण कर सके, बस उसी की व्यवस्था के लिए आश्रम में भी आकर के धावा बोलेगा। तो जगन्नाथ जी देख रहे हैं कितना निरपेक्ष सेवक है, कौन सर्वस्व दे करके मेरे को सेवा करने के तैयार है। उन्होंने देखा तो उनके इतना हजारों सेवक है फिर भी भक्ति ठाकुर जी को बुला लिया, क्यों देखता है इनके अंदर में तो अपना स्पर्धा है, ईर्ष्या है, देश है, कलह है, माश्चर्य है, विभिन्न प्रकार, और सभी अपना अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो अब जब भक्तिम ठाकुर आए कैसे मूर्त विग्रह, उन्होंने देखा इन लोगों को चाहिए क्या, धन दौलत प्रतिष्ठा कनक कमैनी ये तो चाहिए, किंतु इसको लेकर के थोड़ी ना सुखी होएगा, क्योंकि अब तो मनमानी चलने वाला किसी सुनेगा तो है नहीं। तो उस समय भक्तिम ठाकुर जी ने सबसे प्रधान प्रथम शुरुआत की थी जगन्नाथ मंदिर के अंदर में संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, मंगल गीत और संकीर्तन शुरू की, इसके बाद हरिकथा शुरू की मंदिर के अंदर में जगन्नाथ जी के सामने सुंदर कोर्टयार्ड में चारों तरफ कीर्तन शुरू की हरिकथा। हरिकथा के बाद उन्होंने एकादशी का व्रत शुरू की। तब जब एकादशी व्रत शुरू हुआ तब बहुत आंदोलन शुरू हो गया कि जगन्नाथ जी की मंदिर में एकादशी को टांग पकड़ बांध करके उल्टा लटका के रख दिया उनके पीछे, वहाँ एकादशी कोई नहीं करेगा, करेगा तो अबड़ा खाएगा और तब महाप्रसाद खाएगा तो ये एकादशी है, प्रसाद का अवज्ञा करेगा तो नरक जाना पड़ेगा, तो इसे प्रसाद ही खाएगा। भक्तिम ठाकुर जी ने उसके ऊपर वहाँ बहुत बाबा जी बहुत और चार संप्रदाय के वैष्णव है, किंतु संप्रदाय वाले तो एकादशी करते हैं कि जो लोग कमजोर हैं तो उनको ये दबा लेता है, एकादशी नहीं करने देता है, और एकादशी के दिन में जबरदस्ती मुंह में ठूस देगा, मंगल आरती में आओगे तो जाने ये वैष्णव एकादशी नष्ट करने के लिए उस मंगल आरती के समय और दिन नहीं आएगा पास में, उस दिन आकर के आंखों में वो लगा देगा कर्पूर और मुंह में ठूस देगा प्रसाद, क्या करेगा, ठाकुर जी दर्शन जाना नहीं है फिर, और नहीं जाए रह नहीं सकता नहीं, कैसे न कैसे एकादशी तो नष्ट कर ही देगा। फिर क्या हुआ, जब देखा भीमा देवी के सामने और वहाँ
काली मंदिर दुनिया उनसे सामने बोलि चढ़ता है और खूनों की धार वो नाली होकर बह के नीचे तक समुद्र तक पहुँचता है, इतना बोलि चढ़ता है। तब तो उन्होंने इसके बलि का तात्पर्य ये क्या है, केवल बकरा बकरी भेड़ और भैंस और क्या नाम ऊँट दुनिया भर के पशुओं को बलि देना है, आत्मा बलि दो, अपने को चढ़ाओ, अपने बच्चा पियर प्रिय है उसको चढ़ाओ। किंतु बोलने से तो लड़ाई शुरू होगा, किंतु मजिस्ट्रेट भी थे, सेवक भी थे, सरकारी तरफ से नहीं जगन्नाथ के तरफ से, इसलिए उन्हें देखा ऐसे नहीं हुआ। विमला देवी से प्रार्थना कर बोलना है, तो जब विमला देवी से बोला प्रार्थना किया तो विमला देवी हैं राजी हुए। ये लोग हैं उल्टा पुल्टा अमानुषिक व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे करके बोली तो बंद तो हुआ, किंतु वही दुर्गाष्टमी आएगा नवरात्रि वो सुनेगा नहीं, उस दिन तो जरूर बलि चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, चारों तरफ घेर लेगा वो ये सब पर्दा पर्दा दुनिया देखे और उसके अंदर बलि करेगा। बंद पूरा बंद भक्तिम ठाकुर जी ने पूरा बंद कर दी थी, किंतु फिर तो अब तो सुनते नहीं। और भक्तिम ठाकुर जी ने विमला देवी से प्रार्थना की, तब विमला देवी ने कहा देखो उत्कले पुरुषोत्तमात्, वेदों में मंत्र है, वेदांतों में सूत्र में ये सब विचार है, उत्कल देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र में कोई भगवत शक्ति महापुरुष आएंगे जो आकर के ये भक्ति धर्म का, वैष्णव धर्म का, आत्मधर्म सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और सब जीवों को उद्धार करेंगे, ये भोगमय जीवन से मुक्त करेंगे। खुद यदि इन भोगों से उपरत नहीं हुए, शांति नहीं मिला, तो दूसरे को कैसे उसका कल्याण करेगा। इसलिए ऐसे महापुरुष चाहिए जो निवृत्त तृष्ण, जो अनासक्त और आत्मधर्म में प्रतिष्ठित, जड़ धर्म वाले प्रचार कभी नहीं कर सकता न उनको क्यों मानेगा, वो खुद ही फंसे हुए हैं अपने इंद्रिय तर्पण में, भोगों में खुद ही तड़पते हैं, उनका इच्छा की कभी शांति उपशांति नहीं होता, उनको उनको अतृप्ति है और चाहिए और चाहिए, तो ऐसे नहीं। तब भक्तिम ठाकुर से बोला आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, बोलो जगन्नाथ जी कोई ऐसे महापुरुष को लाएंगे तभी संभव है इन लोगों के चित्तवृत्ति को बदलना, नहीं तो ऐसे नहीं बदल सकते, क्योंकि वो वैकुंठ के द्वारपाल बन जाए या गोलोक में भी चला जाए, वहाँ भी शंखचूड़ आया तो क्या किया, होली हो रहा है गोवर्धन में, हैं बलदेव प्रभु हैं, सब है, शंखचूड़ आकर के सारे गोपियों को उठा लिया कंधे में, दोनों में सर में और बाहुबंध में बाजुओं में पकड़ करके लेकर चल दिया। तब कृष्ण ने इशारा की तो बलदेव प्रभु पीछा किया। तो कहीं भी जाओ भोगी जीव अपना भोग का अड्डा जमाएगा ही, उनको कोई देवी देवता दिखता नहीं, भगत परिकर दिखता नहीं, उनको तो भोग करना है कैसे भी। वो रावण को सीता देवी महालक्ष्मी ये दिखता नहीं जानता नहीं जानता है, हैं किंतु उसी को भोग करना है, उसी को लेना है, सब कुछ ले लिया तो ये क्यों नहीं ये क्यों छोड़े इसको भी, क्योंकि स्वर्ग में जाकर अप्सराओं को छीन लेना आसान हो जाता है, तो सोचते जब सब अप्सराओं को अपना लिया, घर के कूड़ेदान में डाल दिया, जत से भोग कर सकता हूँ तो क्यों नहीं भगवान के शक्ति को, और भोमा भस्मासुर आकर के शिव जी के शक्ति को भोग करने के लिए क्या किया,
वरदान मांगा तो बोले वर दे दो, जिसके सर पर हाथ दे दो मर जाए। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, दे दिया तो बोले पहले परीक्षा करूँगा आपके सर में हाथ दूंगा। बोले क्यों? बोले आपने वर दिया, देखता हूँ आप ठीक है कि नहीं। बोले क्यों? बोले पार्वती फिर मेरा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मंदिर आए, आश्रम आए, गुरु के पास आए, भगवान के पास आए, तो भोगी जी ऐसे इनको बोलते राक्षस हैं, दानव, ये मानव नहीं है। इसलिए इनके तृप्ति कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं, बस केवल इंद्रिय तर्पण करना है, भोग करना है। तब विमला देवी जब जगन्नाथ जी के लिए भक्तिम ठाकुर जी को बोला हैं, बैठते हैं मुक्ति मंडप में, बट मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए। वो वैष्णदेव जी ने जब ग्रंथ का रचना शुरू किया तो बोलते हैं केवल सात्विक पुराण नहीं, राजसिक भी करो, तामसिक भी करो, और क्या करो, धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्ति हो, अर्थ का प्राप्ति होने पर फिर मुक्ति की इच्छा होगी। धर्म अर्थ नहीं, अर्थ के द्वारा काम परिपूर्ण करने, तो अर्थ क्यों कमाए, और काम की अतृप्ति में हैं अर्थात मुक्ति क्या है, क्या मुक्ति चाहता है, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे तो ब्रह्म की शक्ति को भोग करेंगे, कैसा बुद्धि है। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, अतृप्ति है तो मोक्ष चाहिए। कौन सा मोक्ष? ब्रह्म निर्वाण। मैं भी ब्रह्म बनूं, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म बन जाओ, तो फिर मैं जब ब्रह्म बन गया, ब्रह्म की शक्ति को भोग करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान। किंतु जब हमारे आचार्य लोग आए, विशेषकर महाप्रभु बोले हैं, कहाँ फंसे हैं ये बद्ध जीवों को, कहाँ फंसा दिया और फंसा कर वैष्णदेव क्या शांति प्राप्त करेंगे, खुद ही अशांत हो गए। नारद जी आए तो प्रार्थना करने लगे कि मैं इतना करने पर बावजूद भी अब मैं बड़ा दुखी हूँ, चित्त चंचल है, अशांत है, वो क्या किया, सबको कहाँ पहुँचा दिया। पंचम पुरुषार्थ तो जो भगवत प्रेम, उसके लिए तो आपने कुछ करा नहीं है, और कौन भगवान है, सबको भगवान बना दिया, सूर्य भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, जितना देखो है, कहते जीत देखो तो ये तो सैम्य है, और सैम्य नहीं, सभी भगवान हो गया है। ऐसे व्याख्या करने लग गए, सियाराम है, सब जगह जानी, सब सियाराम है, वो करो सियाराम को, ऐसे राक्षस। तो उस समय विमला देवी स्वयं भक्त ठाकुर जी कहा, जाओ जगन्नाथ जी से कहो, जगन्नाथ जैसे निवृत्त तृष्ण कोई महापुरुष भगवत परिकर हैं ले आए तभी संभव है, नहीं तो ये चित्तवृत्ति बदलना हाँ, जन्म जन्मांतर तो कितने करोड़ों जन्म गया भोग करते करते, क्या तृप्ति हुई, शांति हुई, इच्छा मिट गया हाँ, और आशा आकांक्षा नहीं रही, घर छोड़ के वन में गया, तो वन में गया तो कहते वनेश षट पत्नी सह, छह इंद्रियों को लेके तो गया, पांच नहीं छह, कहते इन लोगों को ले गया, वो पत्नियाँ तुम्हें वहाँ ही भोग करेगा, वहाँ भी कुटिया बांध लेगा, फिर धीरे धीरे करके सब कुछ गीता का संसार हो जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ ही एक लंगूटी के चक्कर में, चूहा मारने के चक्कर में बिल्ली ले आए, बिल्ली को खिलाने के लिए गाय ले आए, गाय को खिलाने के लिए बुढ़िया ले आई, बुढ़िया से अब छुड़िया हो गई हैं, कितना चपड़ हो गया हैं। तो जहाँ जगह ऐसे करेगा, क्यों वृत्ति तो मिटने वाला नहीं है, इसलिए हाँ विमला देवी कहती है जब तक कि कोई महापुरुष निवृत्त तृष्णा भगवत परिकर नहीं आते हैं है, जो लोग भगवत प्रीति के लिए समस्त कुछ कर सकते हैं, निष्काम शांत कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धिका में सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत
ऐसा कोई हो बुलाओ। तब भक्तिम ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी के निकट प्रार्थना की। बहुत दिन प्रार्थना के बाद में जगन्नाथ जी ने सुनाई की, तो आज के दिन में मुहाई जगन्नाथ मंदिर के पास में गवर्नमेंट का सर्किट हाउस था, जहाँ पर कि मजिस्ट्रेट वगैरह, बड़े बड़े मंत्री वगैरह, बड़े बड़े भगवत मानी सरकार के लोग आकर के रहते। तो वहीं भक्तिम ठाकुर जी का निवास स्थान था, पास में, मंदिर के पास में। तो वहाँ पर आजकल तो चैतन्य गौड़ी मठ वहाँ पर प्रकाशमान है, विद्यमान है भक्तिम ठाकुर प्रभुपाद की इच्छा से। तो वहाँ पर आविर्भूत हुए, किंतु कहते हैं भक्तिम ठाकुर या भगवत देवी और वहाँ के जितने उस समय पांडा पुजारी परिकर, कि उस समय जगन्नाथ जी के श्रीमंदिर में केवल वहाँ नहीं, आलनाथ, साक्षी गोपाल, खीरचरा गोपीनाथ या भुवनेश्वर, सर्वत्र देवालयों में, देव मंदिर में वो शंखा, घंटा, घड़ियाल, कीर्तन ऐसे आनंद उत्सव जैसे शुरू हुआ। और यहाँ भी भक्तिम ठाकुर जी भवन में वो पांडा पुजारी लोग और जितने बाबा जी स्मार्ट जितने थे उनके साथ बहुत ही संबंध था, प्रीति थी। सब लोग आए बहुत निर्माल्य आदि लेकर के, क्यों आ रहे हैं, क्या आकर्षण है उन्हें पता नहीं, किंतु जब आया तब देखा दिव्य मूर्ति, क्या जिनके ललाट में तिलक है, शरीर में बोबित है, जनेऊ है और दिव्य शरीर है। बाबा इनके दर्शन करके सब लोग कैसे हुए, वो कहते हैं कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वो दर्शन के द्वारा क्या पवित्र हो, चित्तवृत्ति निर्मल हो जाता है। पवित्र का ये मतलब नहीं गंगा जी नहाया किंतु हृदय में कितने गंदगी भरा पड़ा हुआ है, हृदय धोता नहीं है। कहते गंगार परस्वर ले पश्चात पावन, आ दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण। गंगा जी के स्पर्श से, स्नान से, आचमन से, पान से कभी पवित्र होंगे, तन मन वचन पवित्र होगा, किंतु टाइम लगेगा। किस लिए, श्रद्धा तो है नहीं, पहले श्रद्धा तो उदित हो। गए गंगा जी नहाने, तेल साबुन ले गया, मंजन ले गया कुल्ला करने के, और बैठ कर खूब शरीर साफ करा, मैल धो रहा है, किंतु उनको गंगा जी को प्रणाम तो किया नहीं, सम्मान तो किया नहीं। इसे पुंडरिक विद्यालय थी और रात को जाती जब कोई नहीं होता, और दूर से दंडवत प्रणाम करके, और दूर से शर्माते छिड़काव करके, आचमन लेके प्रणाम करके, आरती पूजा करके आते। महाप्रभु रोज नहाने जाते, आप लोग तो सुनते जानते हैं उनके लीला में कैसे प्रकाश किया। एक दिन माँ को बोला, माँ गंगा जी मैं नहाने जा रहा हूँ, पूजन के सामग्री दो। बोले अभी व्यवस्था करो, क्यों इतना देर करेगी, बस इतनी देर में तो तोड़ फाड़ शुरू कर दी है, तुम्हें सब काम करे टाइम है और इसके लिए टाइम नहीं है, सब कर सकते हैं। तो गंगा जी का कितना सम्मान है, पूजा है, महापुरुष जी ने दिखाया, या पुंडरिक विद्यानिधि आदि समय दिखाया। अब वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए भी आदर सम्मान नहीं है, इसलिए हम वैष्णव दर्शन नहीं करते। हम भोगी है, उनको भी भोगी देखते हैं, जैसे आँख है ऐसे दिखता है ना, जादृशी भावना दृश्य सिद्धिर भवती तादृशी। गए साधु देखने,
तो देखा माँ क्रोध कर रहे हैं, तो देखकर बोले ये तो साधु क्या है, तो माँ क्रोधी है भोगी है, किंतु उन्हें क्या पता। इसलिए जब प्रभुपाद के दर्शन किया सौम्य, तो वहाँ कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय ऐसे निर्मल हो गया जैसे कहते हैं अशोक वाटिका में सीता जी को लेकर रख दिया। तो रावण जाता है उनका दर्शन करके, उनका हृदय मलिनता जाता है, पवित्र हो जाते हैं और भोग बुद्धि खत्म। एक दिन कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण ने पूछा तब उनको पकड़ कब से ले आए, बोले सालों हो गए। बोला अच्छा, तो आपने उसको रानी विवाह करके घर में क्यों नहीं लाए, वहाँ क्यों छोड़ दिया। बोले उनको देखने से मेरा हृदय पवित्र हो जाता है, भूख बुद्धि खत्म हो जाता है और इच्छाएँ नहीं रहती है। तो बोले फिर ये जब आप समझते जानते हैं ये भगवती है तो उनको वापस दे दो। बोले ये भी नहीं होगा। हाँ, तो बोले अब जब चले जाते पवित्र हो जाता है हृदय, तो फिर अब क्या करेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको हमारे तरफ से लड़ना है, इनको मार देना है सबको, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो कोई यदि अज्ञान करे पाप, तो अज्ञान के द्वारा यदि गलत हो जाए, पाप होता है, तो मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा। और ज्ञान से यदि करता है ना ज्ञान पापी, तो वो नहीं हटता है। हम गुरु को भोग करेंगे, वैष्णव के भोग करेंगे और सब हमारा भोग्य सामग्री है, हम सब कुछ अपने इंद्रिय तर्पण में लगाएंगे तो नहीं होगा। तो फिर तो अधिक दिन नहीं, बहुत जल्दी निशाना ठिकाना हो गया, अब उद्धार होने का हो गया, बढ़िया उद्धार हो जाएगा। इसलिए जब प्रभुपाद जी आए, बस सूर्य से उनको देखा तो कुछ तो क्या कहने लगे, भाई हम तो यहाँ रोज आते थे, अब नहीं आना है। बोले इनको देखने से तो मन प्रसन्न हो गया, चित्तवृत्ति, अब तो घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अब आने से ही तो विपद है, इनको देखने से ही तो मन विचलित हो जाता है। और साधु लोग बड़े प्रसन्न हो गए, ओ बड़ा अच्छा होगा, इनको देखने से तो ऐसा लगता है कि महापुरुष है, दीपो जरूर हमारे लिए बहुत कल्याणकारी को उपकार करेगा। और विधर्मी जो धर्म का ध्वजा उड़ाते धर्मध्वजी, उनको पाषंडी, हाँ उनको बड़ा चिंता हुआ है, ये न जाने क्या कर डालेगा। तो कुछ समय में जब आप लोग जानते हैं रथ यात्रा चल रहा था, तो जगन्नाथ अपनी इच्छा से चलते हैं, किसकी सुनते तो है नहीं, इतना चौड़ा रास्ता है, कभी उस किनारे जाएंगे, कभी उस किनारे जाएंगे, कभी बीचों बीच में जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो किधर चलेंगे और कहाँ रुक जाएंगे कोई पता नहीं। अब ठीक भक्ति मनोहर ठाकुर जी के भवन के सामने आके एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन ठहर गए, उनको कोई प्रश्न मत कर सकते हैं। तो भगवत देवी कहती है भक्तुन ठाकुर को, जब जगन्नाथ हमारे सामने हैं, हैं तो भोग राग सुंदर सुंदर तैयार करना है, देना है। तो भक्तुन ठाकुर जी, क्योंकि जगन्नाथ जब बाहर आते हैं वो सबका भोग ग्रहण करते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन कुछ नहीं देखते हैं, शूद्र ब्राह्मण नहीं, उसमें सब लोग उनको भोग लगाते हैं। तो भगवत देवी विभिन्न प्रकार उपायन और भोग राग समूह बना बना करके जगन्नाथ जी को घर के सामने तीन दिन हो गया, तीन रात्रि हो गया भोग राग दे रहे हैं। भगवतम ठाकुर गवर्नमेंट के व्यक्ति होने से सरकार की तरफ से बहुत उनके पास प्रेशर है, व्यवस्था करना है। तो भगवतम ठाकुर बोले जब तक हरि कीर्तन नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, तो तीन दिन तीन रात कीर्तन चल रहा है, तभी जगन्नाथ चल नहीं रहे हैं। जगन्नाथ जी कुछ इच्छा है, तो उस समय हैं जब दूसरे दिन दो रात बीत गया, तो रात्रि शेष में
हैं। जगन्नाथ जी स्वयं कहते हैं, देखो भाई मैंने अपने परिकर को भेजा तुम्हारे पास में और तुम छिपा करके रख दिया अपने पास में, हैं मेरे को दर्शन भी नहीं करने दोगे, मैं जाऊंगा नहीं। जैसे शिव ठाकुर आए ना कैलाश से और धुनी रमा लिया जम गए, बोले जाऊंगा नहीं, दर्शन कराएगी जसोदा तब जाऊंगी, जाऊंगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। बोले भिक्षा ले लो, बोले नहीं चाहिए। बोले कुछ खाना पीना ले लो, बोले मैं बैठ गया उठूंगा नहीं। और उदय कृष्ण रोने लग गए तो कहते हैं प्रभुपाद उस समय हैं उनका नामकरण किया, नाम रखा विमला प्रसाद भक्तों ठाकुर जी। विमला देवी की कृपा से एक महापुरुष धरोहर आया। अब क्या किया, जगन्नाथ तो चलेंगे नहीं और जगन्नाथ का रथ रुक गया, बलदेव सुभद्रा नहीं रुके, वो तो पहले ही चले जाते हैं। पहले बलदेव प्रभु का रथ जाता है, फिर सुभद्रा बीच में जाती है, फिर जगन्नाथ पीछे चलते हैं। और जगन्नाथ जी रुके, वो दोनों तो कहाँ गुंड जा पहुँच गए हैं। और जगन्नाथ जी अकेले हैं, वो दोनों अकेले, इधर ये अकेले। फिर आखिरी रात में ब्रह्म मुहूर्त में उनको जगन्नाथ जी कहते हैं, बस तेरे को दे दिया इसका मतलब तेरा ही हो गया, मेरे को दर्शन भी नहीं करने देगा, मेरे पास नहीं लाएगा। तब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फूल माला चंदन अगुरु भोग राग लेके अब रथ में सब लोग नहीं चल सकते हैं। विशेष करके अब तो और भी सख्त कर दी, उस समय भी नियम था केवल पुजारी दैत्या के अलावा विशेष अधिकारी योग्य व्यक्ति के बिना कोई रथ में नहीं जाएगा, जगन्नाथ जी को स्पर्श नहीं करेगा। किंतु उस दिन पांडा पुजारी सबके इच्छा के अनुकूल भगवत देवी गोदी में लेके भक्तुन ठाकुर जब जगन्नाथ जी चरणों में लाए, अब उनको आरती भोगराग की दिया और उनके चरणों में समर्पण कर दिया। उस समय जगन्नाथ जी के कितने बड़े जगन्नाथ जी हैं, उन गले का माला ऐसे खिसक करके गिरा कि एकदम विमला प्रसाद उसी में ढक गई हैं। कितना बड़ा होगा, 6 महीना के। वहाँ ही जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से उनको अन्नप्राशन कर दी। इधर जगन्नाथ प्रसन्न, इधर विमला प्रसाद प्रसन्न हैं। फिर जब उतार के ले आए अब रथ चलने लग गया, बस जगन्नाथ अब चल दिए, जगन्नाथ गुंडीजा पहुंच गए। यहाँ तक कि आते समय भी जगन्नाथ जी का क्या इच्छा कि बलदेव और सुभद्रा पहले पहुंच जाती है और वो लोग आते समय पैर बलदेव प्रभु का रथ रुक गया, उनका आरती भोगराग दिया और विमला प्रसाद को लाया, उनके चरणों में स्पर्श कराया तो उनका रथ चला। फिर सुभद्रा जी की हैं सबकी बड़े उन कृपा रही हैं, क्योंकि रथ के समय जब जाता है रथ तो अंतिम रथ जब आते हैं तो उसको बावड़ा कहते हैं, जब उल्टा रथ आता है तो उस समय जो कृपा होता है कहते हैं कि उनका घोष यात्रा, पति पावन घोष यात्रा। यदि जाते समय आपने भगवान को देखा, आते समय नीलाद्रि विजय यदि आपने नहीं दर्शन किया तो आप कहीं भी जाएंगे आप अंधकार में डूब जाएंगे। भगवान नीलाद्रि विजय कर रहे हैं, अपने भवन में आ रहे हैं। नीलाद्रि विजय का तात्पर्य है क्या, अपने नंद भवन में आना। यशोदा माता विराजमान है, नंद बाबा विराजमान है, वहाँ जाएंगे ना जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के पीछे के तरफ में विमला देवी है, इसके बाद शिव ठाकुर है और उनके परिवार के साथ, फिर नंद बाबा है, यशोदा माता है। हाँ वहाँ वसुदेव देव की नहीं है, हैं। और वो कार्तिक के जब लास्ट दिन होता है व्रत चतुर्मास के बाद शयन का देवोत्थान होता है तो मंदिर के गेट के बाद और स्तंभ हैं, वहाँ पर 5 दिन यज्ञ करते हैं, एक दिन नंदसदा के लिए, एक दिन दशरथ कौशल्या के लिए,
एक दिन कश्यपादिति के लिए, एक दिन द्रोण धरा के लिए, एक दिन देवकी वसुदेव के लिए खुद यज्ञ करते हैं। क्या मैं चार महीना मैं सोता रहा, मैं किसी की खबर नहीं ली है। और आज मैं माता पिताओं का अपना स्मरण करता हूँ। तो अब क्या हुआ, जब सब रथ लाद्य विजय हो गया, तब भुक्तिम ठाकुर अन्नप्राशन हो गया। ऐसे भुक्तिम ठाकुर जी के नियम था, मैंने अपने महाराज जी को भी देखा, जब भी जगन्नाथपुरी जाते कभी और कुछ ग्रहण नहीं करते जगन्नाथ जी बिना प्रसाद का, कभी नहीं कहते। जगन्नाथ का भात जगत प्रसाद है हाथ, वो दुर्भाग्य होगा जो जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं खाएगा, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है। क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से हृदय निर्मल हो जाएगा। तो गुरु जी सब समय, तो अब भक्तुन ठाकुर जी भवन में वो राजभोग का प्रसाद आता था। अब विमला प्रसाद को भगवत देवी कुछ भी देना चाहते, बस वो घुटने में बल टेक करके जा करके और महाप्रसाद लेना है, खाना है, हैं बस। अब चल थोड़ा घुटने में चलने लग गया था तो माँ समझ गए, तो अब प्रतिदिन उनको वहाँ का जगन्नाथ जी का दाल अन्न बा, और कैसे वहाँ मीठा दाल जगन्नाथ जी का अन्न, ओ वह बेसर मोहर, कैसे सुंदर सुंदर महाप्रसाद, कैसे सुगंध। ओ जिन लोगों ने प्रसाद नहीं पाया तो शायद मनुष्य जन्म धारण करना व्यर्थ, दुनिया के खाया भोग किंतु जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं पाया। तो प्रभुपाद विमला प्रसाद शुरू से ही बस प्रभुपाद जी कहते थे ये शरीर भगवान के प्रसाद से ही बना और ये भगवान का ही है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। प्रभु का संपत्ति है, प्रभु का सेवा का उपकरण है, और प्रभु ने इसको बनाया, इसको रखा, इसे कहा उपदेश में उन्होंने, ये जरद गपतुल्य ये मनुष्य शरीर को एक बार इस जीवन में समर्पण कर दो, अर्थात चंदन की तरह घिस करके 24 घंटा प्रभु के सेवा में इसको व्यवहार करो, नियुक्त करो, जोगयुक्त करो। ये नहीं ये समर्पण कर दिया वो मेरा पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, मैं भोग करूँ उनको, नहीं। ये शरीर जब तक है, एक दिन भी इसके अंदर आत्मा विराजमान है, मैं विराजमान हूँ, तो इसको सेवा नहीं लगाओगे तो इसको कोई भी दखल करेगा, कोई भी इसको अपने भोगों में लगाएगा, हम नहीं बचा सकते, कोई भी इसका हिस्सा बाट कर लेगा हैं, उस समय ये झूठन हो जाएगा, अर्थात बर्बाद हो जाएगा हैं, अपना कर्मों का फल इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैंने जीवन में पाप नहीं की, झूठ नहीं बोला, गलत नहीं करा, किंतु दिल में कितनों को हमने बसाया, कितनों को जगह बना दिया, कितनों को हमें अपने दिल में रख लिया हुँ? भाई कोई नाले में पड़ा है गंदगी में कीच में, और वो लोग यदि मुझे याद करते बुलाते निमंत्रण देते आ जाओ कीच में हुँ? तो हम जाएंगे तो क्या होगा हैं, कोलतार है उसके अंदर घुस गया तो क्या होगा, कीच है, गंदगी है, सड़ गले, उसके अंदर कोई बुला के ले जाए तो। इससे ये हृदय ऐसे होना चाहिए पवित्र जिसमें किसी का अधिकार न हो, नहीं तो भैया बोलेगा हाँ अरे बड़े भाई तुम हमारा हो, छोटे भाई हमारा हो, और चाचा बोलेगा हमारा हो हाँ। हमारे भक्ति गुरु संत महाराज कहते थे प्रभुपाद जी के एकदम आखिरी छोटा सा बालक उनका शिष्य, क्या कहते थे, चाचा जी बोले, बाप बोले और सब लोग बोले देख बड़ों की मानना चाहिए, तो बोले कोई बड़ा हुए तब तो मानूँ हैं, कोई भगवान से बड़े तो कोई है नहीं, उससे तो बड़े तुम है नहीं, तो आप बड़े तभी मानते जब प्रभु के चरण में अपने को समर्पण कर देते। आप तो दुनिया के
हिस्सेदार हो, कितने लोगों का हिस्सा है आपके ऊपर, तब बड़े कहाँ से बने? आपका कोई स्थान ही नहीं है। तो प्रभुपाद सच ठाकुर उस समय भक्तिम ठाकुर जी ने देखा ये बोलने वाला हो गया, अब थोड़ा चलने वाला हो गया। जहाँ भक्तिम ठाकुर अर्चन करते, हरिनाम करते, बस गोदी में बैठते नहीं, पास में नीचे बैठ जाते सुनते और पाठ करते प्रतिदिन नियम पूर्वक, वहाँ भी सुनते। किंतु कैसे कहते हैं भक्तिम ठाकुर पूछते, तुमको समझते हो? तो सर जाते, समझता हूँ। तो कैसे समझ दो, मैंने क्या पाठ करा? क्योंकि बहुत लोग रोज दिन कथा सुनने आते, रोज दिन हरि कीर्तन होता, भक्ति भवन में भी मंदिर में भी। मंदिर में नियम है छोटे छोटे बच्चे अलाउ नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, गोदी में भी लेके नहीं जा सकते, और न क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव है कोई पेशाब कर दी, फिर पूरा मंदिर धुआ पकला होगा, पूरा सब फेंके जाएंगे, इससे बच्चों का अलाउ नहीं है। जब तक समर्थ बड़े नहीं होते तब तक नहीं ले जा सकते। किंतु ये बचपन से ही भक्तिम ठाकुर मंदिर जा रहे हैं, शाम को कथा होगा, कीर्तन होगा, पाठ होगा, वो चले जाते, घर में भी बैठते। तो एक दिन अभी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, तो भक्तिम ठाकुर ने पूछा, मैं जो पाठ किया तुम कुछ समझदा है, समझते हो? बोले सर ला रहे, तो अच्छा तुम बोल सकते हो? हैं बोल सकता हूँ। तब भक्तिम ठाकुर जी ने बोला, आज मैं कूर्म पुराण पढ़ा, बोलो तो कूर्म देवता का मंत्र, क्योंकि श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में समस्त देवताओं का अवतारों का मंत्र है, समस्त अवतारों का है, मत्स्य अवतार का क्या मंत्र है, कूर्म का क्या मंत्र है, वराह का क्या मंत्र है, और नृसिंह भगवान का सबका मंत्र है और सबका व्याख्या है, सबकी उपासना आराधना की विधि है। कोई कहते मैंने भागवत पढ़ा तो क्या एक मंत्र सीखा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सबको बोले तुम ये मंत्र जप करो, ये तो केवल मंत्र ध्रुव को दिया था नारद ऋषि ने, किंतु मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह जितने मंत्र हैं, हम क्या कहेंगे, ललाट केशवाय नम, नारायण नम, माधवाय नम, गोविंदवाय नम, शिवेश्वर नम, त्रिविक्र नम, मधुसूदन नम, सिद्धराय नम, ऋषिकेशाय नम, वासुदेवाय नम, ये कहेंगे, किंतु ये मंत्र तो जानते नहीं, कैसे प्रणाम किया, खाली नमो नमो कर दिए ढमो ढमो, कोई मंत्र तो आता नहीं। जब इनको पूछा भक्तिम ठाकुर जी ने, मैंने ये मंत्र का व्याख्या की और देवताओं की उपासना विधि बताया, अर्थात भगवान के अवतारों का इसका क्या प्रयोजन दिया है, यदि कोई कहता है कि नहीं गोलोक बिहारी श्रीहरि की हम उपासना करते हैं, इन 10 अवतार की जरूरत क्या है, 24 अवतार की जरूरत क्या है, तो बोलते हैं तुम शरीर के एक अंगूठा पकड़ लिया या सर पकड़ लिया, सर पकड़ के खींचोगे तो तुम्हारा पैर भी तो जाएगा तुम्हारे साथ ना, पैर पैर काट के रखे जाओगे, सर जाएगा तो पैर भी जाएगा, हाथ भी जाएगा, पूरा शरीर जाएगा, तो अंगूठा पकड़ लेगा तो सारा शरीर जाएगा। तो भगवान के ये जो अवतारावली है ये तभी पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदिष्यति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यति, तभी पूर्ण माना जाएगा यदि सब कुछ अवतारावली है, और नहीं है, है? सब छाड़ दिया तो हमें किसके पास गए, कौन है? तो आगे आचार्य लोग जो हरिकथा करते थे ऐसा नहीं मनमानी, ये मेरा रुचिकर है ये ही बोलूँगा, किंतु हमारा रुचिकर ये रुचि के अनुसार भगवान नहीं बन जाएंगे, भगवान भगवान है, उनके अंदर में अंश कला आवेश अवतार गुण अवतार ममता अवतार युग अवतार है, सत्तावेश अवतार
सब कुछ उनके अंदर में समाया हुआ, सारा विश्व ब्रह्मांड है। अयोध्या में सबको छाट करके एक भगवान को हम खड़ा कर लेंगे मनमानी, तो ये दाकियानुशील ऐसा मूर्खों का अपना अपना वक्तव्य है या अपना निशाना लगा लेता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए पुराण में भी छह सात्विक पुराण, छह राजसिक पुराण, छह तामसिक पुराण, किंतु ये नहीं कि भगवान तामसिक हो गए या वो तामसी व्यक्तियों के उद्धार के लिए प्रभु ने कैसे लीलाएं की। आज मत्स्य अवतार होकर के भगवान कहाँ पहुँच गए, कूर्म अवतार बड़ा अवतार धारण किया जीवों के लिए, कल्याण के लिए। तो भक्तिम ठाकुर इतना सुंदर, उनके शास्त्रों का यदि पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो उस समय व्याख्या कर रहे थे, प्रभुपाद सुने, प्रभुपाद ने उससे भी और सुंदर करके सजा करके, जैसे कवि कर्णपुर गोस्वामी ने बचपन में ही महाप्रभु के स्तुति नहीं केवल मात्र सुंदर सुंदर ग्रंथों का प्रकाश कर डाला है। आनंद वृंदावन जब पढ़ेंगे तो भगवत लीलाओं का कैसे सुंदर रसस्थ वर्णन किया, बापरे। भागवत में तो केवल सूक्ष्म संक्षेप सूत्र मात्र है, और केवल आनंद वृंदावन चौपुर ने ही कैसे कैसे ग्रंथों का प्रकाश किया। इससे प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर भक्तिम ठाकुर जी के भाषा भाव व्याख्याओं को लेके जब वर्णन किया, तब भक्तिम ठाकुर जी बोले अब मेरा जो इच्छा है अर्थात जगन्नाथ जी की जो सेवा है और जीवों के आत्मकल्याण के लिए उन्होंने कोई अपना निज व्यक्ति को ही भेजा है। क्योंकि गुरु जी कहते बीरबान हुनार के होते हैं चिकने पात, शुरू से समझ आता है ये कौन है कैसा है। जिनको भगवत कथा में रुचि नहीं है, स्मरण नहीं है, और क्या बोला आपने भूल गया, क्यों उनको रुचि नहीं है, याद नहीं है, वो संपत्ति उनका अपना नहीं है, धरोहर नहीं जमा कर सकता है। दुनिया के तो सब बात याद रहेगा, किंतु हरिकथा क्या बोला, काल क्या बोला था भाई, पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो कहाँ थे पता नहीं, यहाँ बैठे था पता नहीं है, बोल सकते हो नहीं मैंने समझा नहीं है। सब समझते हैं, हरिकथा नहीं समझते हैं। भक्तिम ठाकुर ने देखा एक अक्षर क्या एक शब्द भी मिस नहीं की और उसे सुंदर अलंकृत कर दी, ऐसा सुंदर वर्णन किया है। तब भक्तिम ठाकुर जी की इच्छा मनोविष्ट कहता अब महाप्रभु के मनोविष्ट पूर्णकारी जगत में आ गया, अब मुझे चिंता नहीं है। अब जहाँ जाते वहाँ पुरी में हरिदास ठाकुर समाधि, उसका स्वर्गद्वार नाम है, तो वहाँ पर भक्तिम ठाकुर ने सात आसन मठ बनाया। क्या सात आसन, भक्तों में जाया जाते रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़क स्वामी क्या आसन बिछाते और पुष्पांजलि करते, प्रणाम करते और साथ साथ हरिदास ठाकुर का। फिर वहाँ पर समस्त बाबाजी गोसाई कोई साधारण लोग भक्त मंडली आके कीर्तन शुरू होता, भक्तिम ठाकुर आके पाठ करते। प्रभुपाद क्या करते थे, साथ में चलते। ये छोटा सा है भक्त शांति सिंधु उज्जैलमणि, कभी चैतन्य चरितामृत, कभी धारावाहिक कथा चलता, वो छोटा है सर में लेके चलेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे जरूर। और बचपन से ही वो जैसे नित्यानंद प्रभु के लिए कहते हैं ना महाप्रभु के आजान लंबी तो भुजा, उनके भुजाएँ कितने लंबी कितने लंबे चौड़े, और तिलक तो शरीर के अंदर में तो ऐसे चिरकाल के हैं वो मिटा नहीं सकता,
गले में त्रिबली कंठी, ब्राह्मण उपवित सब तो साथ में मानव मूर्ति है जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जाते और दिव्य भक्त ठाकुर के सामने बैठते, हजार लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। भक्त ठाकुर प्रतिदिन पूछते हैं आज का कथा का सार संक्षेप, तो वो संक्षेप सार नहीं और विस्तीर्ण करके और सुंदर कर सजा करके उनको सुना देते। तो एक दिन भक्तिम ठाकुर कह रहे मेरे को राजकार्य से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो तुम अभी कितना है, हाँ 5 साल की, बोले तुम कथा कर सकते हो, बोले आपका आदेश है, यदि आप कहेंगे तो बस बैठ गए हैं। रोमसन उग्रसवा सूत की तरह कथा शुरू कर दी, अब तो छटाई गाटाई शुरू कर दी हैं, कौन भगवान उपासना करता है और कौन भगवान के विरोधी तत्व है। बस सबसे पहला उनका भाषण था, भगवान भगवान के लिए कौन भक्ति करने आता है और कौन भोग करने आता है भगवान को, कौन आराधना करता है कौन अपनी पूजा कराता है भगवान से। आए गुरु के निकट भगवान के निकट, सब द्रव्य भगवान का मैं मालिक हूँ, और लेकर के सब ताला अपना लगाया, चाबी अपने पास रहेगा हैं, किंतु इसका अधिकार किसी को नहीं है, मैं सेवक हूँ और मैं ही अधिकारी हूँ। नाम रख देगा क्या, दासाधिकारी, दास लिख के संतुष्टि नहीं, क्या दास हैं, रामदास सीताराम दास या कृष्णदास, नहीं कृष्णदास अधिकारी, अधिकार कृष्णदास का है, रामदास अधिकारी, अधिकार पूरा कब्जा हमारा है, हैं बस शुरू कर दिया, महंत हो गया, बाबा जी हो गया हैं, अधिकारी हो, सब अधिकारी और क्या, नहीं तो गोस्वामी हैं। तो कहते स्वामी किसके स्वामी, गोस्वामी इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय तर्पण करने का भोगी है, इसका नाम गोस्वामी है, गो मतलब इंद्रिया हैं, उसका भोग करने के लिए उसे स्वामी बन के बैठा है, वो तो शुरू कर दिया। तो पहले दिन तो सवा तितर बितर मन तिल मिला गया, बोल कह रहा है इतना छोटा बालक, आज किस किस को क्या सुना रहा है। दूसरे दिन देखा चौथा ही हो गया, तीसरे दिन भक्तिम ठाकुर आया देखा 5-7 जन रह गए, तो बोले पाठ किया क्या, बोला सब बोल दिया, बोले भाई एक दिन में ऐसा छिले काटे करोगे तो कुछ बचेगा नहीं, बोले धीरे धीरे काई जम जाएगा पत्थर के ऊपर, किंतु पत्थर के अंदर पानी प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए इन लोगों को जो क्या सत्यम प्रियात प्रियम ब्रुयात, सच बोलो प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो, अप्रिय है सबके लिए सत्य है मत बोलो। वो बात कहते नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं तो बोलूँगा, मैं छिपाना नहीं जानता ना छिपाऊँगा, बोले कोई सुनेगा नहीं, बोले लाखों में यदि एक व्यक्ति सुन लिया तो भी बहुत है, सबके इंद्रिय तर्पण के लिए हैं हम चामचे और मोमा साहेब नहीं बनना है, मैं अप्रिय है सत्य है ये बोलूँगा। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब प्रचार बढ़ने लग गया भक्तिम ठाकुर जी की और वैष्णव की, क्या हुआ, समस्त स्मार्ट लोग जैसे देखो अभी शिवरात्रि होगा किसी को 18 तारीख का, किसी को 19 तारीख का, एकादशी होगा तो किसी का 16 को किसी को 17 को, ऐसे ही पूरा भारतवर्ष में
ये आंदोलन चलता रहा वैष्णव का कोई एक दिन है और स्मार्टों का एक दिन है और विभिन्न प्रकार अशांति। अब लोग किधर जाए, अपने गुरु को तो मानना ही पड़ेगा, अपने नहीं तो मुश्किल है, गुरु अवज्ञा हो जाएगा और किधर जाए। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी ने जब मिला विमला प्रसाद से, बोले तुम तो इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, हाँ क्योंकि कोलकाता में यूनिवर्सिटी में उनको बोला आप यहाँ का प्रिंसिपल बन जाओ, बोले मैं ये आकाश के तारा और ज़मीन के बालू गिनने नहीं आया, ये मेरा काम नहीं, मैं तो कुछ और काम करने आया। बोले जब तक आप बचे रहेंगे ये पद आपके लिए चिरकाल के लिए खाली रहेगा, हाँ इसमें कोई नहीं उसमें स्थित होंगे और कोई नहीं आएंगे, आपके सम्मान के लिए खाली रहेगा। इतना बड़ा पंडित विद्वान हुए तो उस समय ये लड़ाई शुरू हुआ कि केवल एकादशी नहीं कि कोई भी बाबा जी या कोई भी वैष्णव किसी भी जाति का हो वो कैसे मंदिर का पूजा कर सकता है, कैसे भोगराग बना सकता है, कैसे दूसरों को दीक्षा दे सकता है। जाति का ब्राह्मण हो और तभी उनका संन्यास होना चाहिए, नहीं तो जाति का शूद्र है और उपवीत पहन लिया, मंदिर में चला गया, पुजारी बन गया और भोगराग बनाने लग गया और वो सबको खिलाने लग गया ना, ये कैसे कर सकता है। ये सब लेके जब बड़ा आंदोलन हुआ तो पूरा भारतवर्ष के चारों कोने से सब स्मार्ट लोग एक तरह पंडित लोग आए और वैष्णव का आक्रमण किया कि आप किसी भी जाति पाति पूछते नहीं हैं और किसी को माला मंत्र दे दिया, कंठी दे दी, उपवीत पहना दिया और सबको अधिकार दे दिया, अर्थात वेद शास्त्र के विधि नियम को आपने तोड़ डाला, देश का ध्वंस कर दिया विभिन्न प्रकार। तो उस समय भक्तिम ठाकुर जी के पास खबर आया, किंतु भक्तिम ठाकुर जी राम भवन में कोलकाता में विराजमान थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अब चलने लायक भी नहीं रहा और स्वस्थ शरीर भी उम्र भी हो गया, तो इनको बुलाया और कितना उस समय बहुत कम उम्र, फिर भी बोला विमला प्रसाद अब तुमको जाना है सभा में। तब वृंदावन से राधारमण मंदिर से एक गोस्वामी, राधारमण गोस्वामी उनका नाम था, और कुछ इन्हीं गुनी वैष्णव हैं सम्मिलित हुए और विमला प्रसाद को लेके वो लोग वहाँ पहुँचे, तो देखा बड़े बड़े विद्वान दक्षिण भारत के, वो वाराणसी के, वृंदावन के, ओ कहाँ नवद्वीप के, कहाँ प्रत्येक स्थान के सब स्मार्ट तो लोग पागड़ी बांध बांध कर एक लंबा चौड़ा डील डाल धोती कुर्ता पहन के हैं और पान चबाते हुए सब रे लाल टक टक एक से एक आए तो सभा में बहुत सुंदर मंडप बना, फूलों का स्टेज 22 फुट ऊंचा विशाल स्टेज और सामने कम 10-20 हज़ार नहीं लाखों जनता सब सुनने के लिए आए हैं। उस समय प्रभुपाद जैसे गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो फूल का तोड़ा ऊपर लगाया तो अपने आप टूट गया और प्रभुपाद जी सर पर फूल गिरा, ऐसे लग रहा है पुष्पाभिषेक कर दी उनको, चारों तरफ फूल बिखर गया। तो सब वैष्णव लोग मृदंग करता लेके ताली बजाने लग गया और जय जयकार करने लग गए। स्मार्ट तरफ बोलते इससे फूल गिरने से क्या होता है, पहले इससे जय जयकार नहीं होता है, हैं पता पड़ेगा जब प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो सबसे पहले ब्राह्मण लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया, इसमें आप लोगों में कौन उत्तर देगा। तो इन लोगों ने जब इनको खड़ा कर दिया, अभी तो बालक है,
उन लोगों का पहले प्रश्न था ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है, वैष्णव का गुण और लक्षण क्या है और ब्राह्मणों का क्या है। शास्त्र में कहीं वैष्णव का वर्णन ही नहीं है। कहते हैं भगवान के चरण है शूद्र, जंगा है वैश्य, वक्षस्थल है क्षत्रिय और सर है ब्राह्मण। तो यह वैष्णव की बात कहाँ है? और ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थी उसमें भी वैष्णव का नाम नहीं, तो ये आए कहाँ से? ये को कहाँ लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में है? ये एक मनमानी अजगुबी है जिसको कोई दुनिया में पूछते नहीं है, परित्यज्य होता है, वो इकट्ठा होकर के एक दल बना लिया जिसका कोई योग्यता नहीं, अधिकार नहीं है, वो बस कोई काम का नहीं है, वो एक ग्रुप बना लिया और नाम रख दिया मैं वैष्णव हूँ या मैं भगत हूँ। काहे की भगत है? तुम शास्त्र में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, नाम नहीं, निशाना नहीं, तुम आए कहाँ से और कहाँ वर्णन है? ऐसे प्रश्न शुरू किया। तब प्रभात सबसे पहले बस ब्राह्मणों की गुणगान करना शुरू की, शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा है, ब्राह्मणों की कैसे गुण है, कैसा अधिकार है, ये भूसुर है, पृथ्वी के स्वर्ग देवदूत है ब्राह्मण लोग, भगवान के सर है, मुखारविंद है, कितना गुणगान उन्होंने वर्णन किया। ब्राह्मण लोग बोलते हैं हम तो ऐसे जयी हो गए, वो लोग जय जयकार करने लगे। इतना श्लोक शायद उनको याद भी नहीं है जितना श्लोक उन्होंने वेद वेदांत पुराण उपनिषद समस्त शास्त्रों से वर्णन किया। इसके बाद जब शुरू किया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार दीजिए उच्चते वेद पठित भवद विप्र ब्रह्म जानती सब्राह्मण, जन्म में माँ के पेट से जो जन्म लेता है तो सभी सोचनातिथि शूद्र, सभी शूद्र है। उस समय कोई ब्राह्मण नहीं, उस समय देव पूजा का अधिकार नहीं होता, न मंदिर जा सकता, न कोई पाठ पूजा कर सकता, कुछ भी अधिकार नहीं है। जब उसको गायत्री दिया जाता है, आचार्य जब उनको उपवीत संस्कार कराते हैं, वेद पाठ का अधिकार देते हैं, तब वो विप्र होता है, और नहीं तो संस्कार के द्वारा दूसरा जन्म होता है तो आचार्य माता पिता गुरु गायत्री माता मिलता है तो दीजो, फिर वेद पाठ करता है तो विप्र, और ब्रह्म का अनुभूति करते उपासना करते तो ब्राह्मण बनता है। तो उसमें तो बतला नहीं, ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण ही होता है। ऋषभदेव के पुत्र लोग कितने थे? 100। कितने तो ब्राह्मण हुए, कितने तो क्षत्रिय हुए, हैं? तो ऐसे कैसे हो गया? नारद जी तो शूद्रानी के घर से जन्म ली, हैं? और वैष्णव जी कहाँ से जन्म ली? सत्यावती धीवर के कन्या मल्ला, तो कहाँ से हो गए? जब वर्णन करने लगे बस एक एक करके धीरे 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 करके निकलने गए और आखिरी में देखा सभा में एक भी नहीं है। तब उन्होंने वैष्णव की गुणगान अब शुरू की। अब जनता सुन रहे हैं, सब लोग ब्राह्मण लोग तो सब भाग गए, अब एक भी नहीं जानते, अब तो कुछ चलेगा, छोड़ेगा नहीं, हैं? सब भागे और आखिरी में जब सभा भंग होने को आया, वो विशाल बड़ा लकड़ी के कटौती बनाया और सब लोग मिल करके और प्रभुपाद जी को उसमें बैठा दिया, बैठा करके उनके चरणों की अभिषेक करा, अभिषेक करके वो चरणामित सबको छिड़का कर दी, सबने बांट ली। बोलते पृथ्वी भी धन्य है, हम भी धन्य है, ऐसे महापुरुष का दर्शन और आज प्रकाश हुआ है। कितने दिन हम अंधेरे में थे, हमें मालूम ही नहीं था, आज ब्राह्मणों ने बढ़िया काम करा, हैं? संतों की दर्शन, वैष्णवों के दर्शन करा दिया, ये सभा
हमारे कल्याण के लिए ही हुआ है, नहीं तो हम लोग तो अंधेरे में रह गए, हम जानते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं। जब तक कि संतों के वाणी किसी के कानों में नहीं प्रवेश करता ना, तब तक तो अंधेरे में है, अनर्थ में है, हैं? क्योंकि वो वाणी में ही भगवत शक्ति है। सताम प्रसंगान मम वृद्ध संविदु, भगवान कहते हैं वो साधु के वाणी में ही मेरे शक्ति है, मैं प्रवेश करता हूँ और प्रवेश कर सबके अंधकार दूर करके सबको उजाले में लाने वाले। तो प्रभुपाद जब उसके बाद में तुरंत तो ग्रंथ प्रकाशित हो गया भाषण, उस समय तो डिक्टाफोन फिक्टाफोन डेप्रिकॉट नहीं, सब लिख करके जनताओं ने पब्लिश कर दी, हाँ, ब्राह्मण वैष्णव नाम लिख दिया, ग्रंथ का नाम ब्राह्मण एवं वैष्णव, कौन ब्राह्मण है कौन वैष्णव है, इतना मोटा ग्रंथ छप गया, और वैष्णव विजय, एक एक प्रभुपाद जी ने एक एक अक्षर जितना वर्णन किया सब छप गया, और न्यूज़पेपर में और जगह जगह में ब्राह्मण लोग सब मुँह लटक गया, कुछ बोलने लायक नहीं रहे, बस वहाँ से ही बस आंदोलन महाप्रभु के जो शुरू हुआ, पूरा विश्व भर में आज जो चल रहा है बस प्रभुपाद जी के ऐतिह्य नहीं, प्रभुपाद जी असीम अनुकंपा और ये शक्ति आज भी प्रभुपाद संचारित कर रहे हैं और सर्वत्र चल रहा है। बस प्रभुपाद जी के नाम ले ली, स्मरण कर ली, कैसे भी एक अक्षर उनको ध्यान हो गया, याद हो गया। भक्तिम ठाकुर जी ने चैतन्य चरितमृत में अमृत प्रभा भाष्य लिखा, प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर अनुभाष्य लिखा, देखो कहते फिर तो विरोधी हो गए ना, नहीं, उनका अमृत प्रभा भाष्य कैसे समझेंगे यदि आप अनु नहीं बनेंगे, क्षुद्र नहीं बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे, आपका अभिमान अहंकार के पहाड़ पर बैठे हैं, अमृत पान करके क्या बनेंगे, राक्षस और दानव बनेंगे, जैसे राहु और केतु ने अमृत पी लिया, पिया ना राहु केतु ने, तो क्या हुआ, हाँ, ऐसे दानव को अमृत पिलाने से दानव और दानव बनेगा, ऐसे प्रभुपाद जी पहले अनु बनो, क्षुद्र बनो अर्थात वैष्णव बनो, भक्त बनो, दासानुदास बनो, तब अमृत पान करना, हाँ, नहीं तो अमृत प्रदान करे मोहिनी, राहु और केतु सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, वह एक ही राहु का एक ही था, हाँ, वो बैठ गया राहु, उसमें केतु नहीं थे, एक ही शरीर नीचे का अर्धल केतु है, ऊपर का स्वर राहु है, बैठ गया। तब तो मोहिनी देखते जा रहे हैं और मोहिनी को पता है, फिर भी पिला दिया दिखाने के लिए, देखो पीने से क्या होता है, पी लिया। सूर्य ने बोला ये कौन है, ये असुर है, और चंद्र ने बोला बस चक्र सूर्य से गला काट दी, किंतु अमृत पी लिया, अमर हो गया ना। तैसे भक्तिम ठाकुर ने अमृत प्रभाव भाष्य लिखा, किंतु ये पढ़ करके दानव मानव दानव हैं अपना अपना वृत्ति को बढ़ाएगा, सीख तो लेगा, दूसरे को सुनाएगा, आचरण नहीं करेगा, जो गालबाजवा सो पंडित का भावा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, जीवन में आचरणशील नहीं है। बोले एकादशी करो, प्रभुपाद जी ने सारा आर्टिकल लिखा, बोले एकादशी करो, पंडित जी ने बोला आज दशमी है काल एकादशी है, तो सुबह सुबह पंडित नहा धो करके तिलकान्निक करके अब जजमानी में जाएगा, तो पंडित इनको बोला ए कुछ बनाया, बोले क्या बनाऊँ, आज तो एकादशी है, पर तू कहाँ सुन ली, पर रोज पाठ करते हैं, मैं कभी गई नहीं, काल गई तो देखा ऐसे सुंदर कथा है एकादशी की, इतनी महिमा आपने सुनाई, बोले मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहा है कि नहीं, तो क्या पूड़ी हलवा बना जल्दी कर और आलू के दम आलू बना, बोले मैं तो मर जाऊँगी तब नहीं बनाऊँगी, वो क्यों, बोले काल आपने इतना सुंदर कथा सुनाया, एकादशी का निर्जला व्रत होना चाहिए, हैं, नहीं तो फलाहारी होना चाहिए, नहीं रह सकते, बड़े बूढ़े हैं, बीमार है, तो फल फूल कंदमूल खा ले, मैं तो नहीं बनाऊँगी, बोले देख ये पापियों के लिए है, मैं पापी थोड़ी हूँ और तू पापी नहीं है, वो डाइन और पापीन के लिए, पापियों के लिए एकादशी होता है, जल्दी घी का पूड़ी बना के ला, दम आलू बना और गंगाजल से दाल बनाना,
गंगा जल से दाल बनाने शुद्ध हो जाता है, और दूध से आटा मल के पूड़ी बनाने से ये देवभोग हो जाता है, और हलवा में घी से भून करके और दूध डाल देने से पानी नहीं देना, पानी में धोने से अपवित्र होता है। आज सब ऐसे बनाओ, बोले मेरे को काट डालो कुछ कर डालो मैं तो करूँगी नहीं, बस पिटाई शुरू कर दी, पटकना शुरू कर दी। तो ऐसे ही पंडित अमृत पान किया ना, सीख लिया पढ़ लिया, किंतु जीवन में आचरण करेगा क्या, तो क्या होगा दुर्दशा। इससे प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं अनुभाष्य लिखूंगा। अब अनुभाष्य में उन्होंने खोल करके एकदम झाड़ करके कुछ छोड़ा नहीं, ऐसे डर के मारे ना भक्तिम ठाकुर जी अमृत प्रभाष्य तो पढ़ लेगा, अनुभाष्य छुएगा नहीं, और जब तक नहीं छुएगा तब तक कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तक तो कि गीता जी के भक्तिम ठाकुर ने लिखा रसिक रंजन भाष्य, ऐसा सुंदर भाषा रसिक रंजन भाष्य, और रसिक के लिए आनंद आमोद होगा। बस प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर फिर भाष्य किया और ले आए बलदेव विद्यावसंत चक्रवर्ती ठाकुर जी भाषा खींच करके, हैं छोड़े नहीं। प्रत्येक के ऊपर ब्रह्म संहिता के ऊपर भक्तिम ठाकुर टिका है तो प्रभुपाद जी भी टिका है, और सब करके प्रभुपाद जी को भक्तिम ठाकुर दिखाते थे। यहाँ तक उपदेशामृत का भक्तिम ठाकुर जी ने लिखा भाषा मैं टिका, प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर लिखा इतना मोटा उपदेशामृत है। और लोग तो संक्षेप में थोड़ा बहुत पढ़ लिया बाचे बेगम, और प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है बाचे बेगम के बारे में, क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कि आपके अंदर से दुर्गुण नहीं जाएगा, दासानुदास अपने को नहीं समझेंगे, हैं महाप्रभु जी की बात नहीं मानेंगे, हैं महाप्रभु कहते हैं वही नंदतन जो किंकरम पतिदेव मांग विषय भवाम्बुदो, हैं कृपया निज पद सिद्धुली सदृशम मांग विचिन्न, हैं आपके चरणों के धूल के बराबर मुझे बना लो, और नहीं अमृत पान करके शेर बन गया क्या होगा, फिर स्वास्थ्य हो गया तो भक्ति तो हुई नहीं, भजन तो हुए नहीं, जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए कैसे भजन में प्रवेश कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने एक एक चीजों को दिया। इससे उनका आश्रित जन क्या हुआ, भक्तिम ठाकुर जी जितने शिष्य हुए ना, बुलाया सबको भक्तिम ठाकुर जी ने, बोले देखो बिमला प्रसाद के जाओ, उससे दोबारा संन्यास लो, बाबा जी बेच लो, जो कुछ लेना है उनके पास जाओ, और उनके पास हरिकथा गोरक्षेत्र बाबा जी महाराज के पास कोई आता दर्शन करने कहता सुनना नहीं सुनने, तो बाबा जी महाराज कहते यहाँ तक कि भक्तिम ठाकुर जी के भक्तिम ठाकुर जी पत्नी भगवती देवी और भी कुछ लोग आए तो कहते हैं गंगा के पानी में रह करके अब आए हैं कुएं के पास में, गोरक्षेत्र बाबा जी महाराज कहते हैं अरे कथा सुनना है तो जा किसके पास, वार्षभानवी द्वैतदास के पास जा, क्योंकि उनके दीक्षा का नाम दिया था वार्षभानवी द्वैतदास, और उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहाँ से आया, जब ये वैष्णव विजय ग्रंथ हुआ इसके बाद बास चार संप्रदाय और मायावाद के ऊपर प्रचार शुरू हुआ। प्रभुपाद जी ने प्रत्येक शालीमाबाद निम्बारकदा आचार्य जन्मस्थान, विष्णुस्वामी निम्बादित, रामानुज, मध्याचार्य सब स्थानों में गए, और सब वर्तमान आचार्य जितने थे सब ने अपना शास्त्रों को उनके हाथ में उठाया, उन्हें पढ़ा, और उन्हें वहाँ भी सामंजस्य करा, भाषण दिया, और सब गोड़े पत्रिका में हारमोनिस्ट में सब छपवाया, सब आचार्यों की, उन्होंने सब चार आचार्य को चैतन्य मठ में प्रतिष्ठा कराया। उन्होंने बोला यदि वैष्णव बनना है, भक्ति करना है, भजन करना है तो आचार्य को सम्मान देना सीखो, उनके कृपा का आभारी बनो, भिक्षुक बनो, दासानुदास बनो, तब केवल वैष्णव नामधार लेने से नहीं होगा, शंकापूर्वक नामगान नहीं है तो। इससे प्रभुपाद जी ने केवल 7 साल 3 लाख करके 100 करोड़ नाम यज्ञ किया ऐसा नहीं, किसी एक दिन
भक्ति प्रमोद पूरी महाराज उस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, गुरुदेव सारा दिन इतना सेवा है, 3 बार पांच बार आरती, भोगराग, पाठ कीर्तन, हाँ अब इतना सेवा तो हरिनाम कब करेंगे? आपने बोला 64 माला करना ही करना है, कब करेंगे? तो प्रभुपाद जी बोला, कितना सोते हो? तो 4 घंटा। वो 2 घंटा और कम करो, खत्म करो 2 घंटा और हरिनाम करो। ऐसे नहीं होता, इसलिए जो सदगुरु के पास आएंगे तो शिष्य तब बनेंगे जो गुरु के विचारों को आचरण को ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम लोग गुरु के पास आकर के गुरु को अपना आठदाली चमचा बनाएंगे, कमाओ गुरुदेव यदि खाइबार दे नहीं पारिबा शिष्य कहला कहन, गुरुदेव यदि हमारे इंद्रिय तर्पण पूरा नहीं कर सकते शिष्य क्यों बनाया? जब शिष्य बनाया तो हमारा पालन करो, कलि युग है भाई। ऐसे प्रभुपाद जी ने बोल दिया, कलि कुकुर कदन यदि चाओ है, कलि युग पावन कलि भय नाशन शिष्य चिनंदन गाओ है। सचिनंदन गौरवी के चरण में शरण लो, द्वैत कलि रूपी कुत्ता के से बच्चे ना है तो नहीं, कलि के कुत्ता चारों तरफ है, खा डालेगा निकल जाएगा। तात प्रभुपाद के शुभ आविर्भाव, कैसे न कैसे हृदय के भीतर कोने में एक कोने में यदि थोड़ा जगह बना लिया, बहुत है, बहुत उनका आविर्भाव हृदय में करा लिया, बुलाया, प्रार्थना किया तो सब कुछ अपना मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इन गुणों को श्रवण यदि कर सके, कीर्तन कर सके, ये महाप्रसाद है, हैं ये प्रसाद ही हमारा आत्मकल्याण करने के लिए सामर्थ्यवान है, नहीं तो और दूसरी चीज हाँ बहुत जन्मों के बाद से कुछ करे, श्रद्धा उदित हो पहले तब ना, किंतु ये महापुरुष लोग के प्रति यदि श्रद्धा हो रही थोड़ा सा भी, बस ये भक्तिरता का बीज हमने अब अर्पण कर दी, महापुरुषों के स्थान हो गया। तो ताजियां तक काल हम लोग आगे और सुनेंगे। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। Sujanar budara dita pada yugam sujana yuga dharma durandara patra vara Varadhabaya daya kapuja pada Pranamami sada prabhu pada pada Bhajanar jeta sa jana sangha pate Bhajanar
पतिता दिकाकारोने कागते गतिवान् चेतावान् चकचेन्त्यापरा अप्रणमामि सदा प्रभुपादपदा अतिकोमलकाञ्चनदीर्घतनो तनुनिन्दिता हेमामृणालमदा मदनार्बुदवन्दितचन्द्रपदा अप्रणमामि सदा प्रभुपादपदा निजसेवकतारकरञ्जवेधोम् निजसे वेदोधाधितहों कृतसिंहवरम् वरनागतबालिशान्दपदा प्रणमामि सदा प्रभुपादपदा विपुलीकृतवैभवगौरवान् भुवनेषु विकीर्तिता गौरदया दयनीयगणार्पिता गौरपदा अप्रणमामि सदा प्रभुपादपदा चिरगौरजनाशय विश्वगुरो Oh,
Jai Gandharva Vrinda Giridhara